हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, रोमन रेक्स ने एक बार फिर उनके कजन जियोसो को मौका दिया है यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने का हेलिनसल पेपरव्यू में, लेकिन इस बार रोमन ने कहा है कि अगर जे ये मैच हारते हैं तो उसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि इस मैच में बहुत हाई स्टेक्स रहेंगे, यानी कि रोमन कुछ बहुत बड़ी स्टिपुलेशन ऐड करने वाले हैं इस मैच में। और दोस्तों, र्यूमर्स ये सुनने में आ रहे हैं कि रोमन रेक्स जियोसो का करियर दांव पर लगवा देंगे और अगले हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में पहली बार द फिंड ब्रे वाइट सिंगल्स मैच में फाइट करते हुए नजर आने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रोमन रेक्स को इस हफ्ते के स्मैकडाउन में उनके एडवोकेट पॉल हेमन ने द ट्राइबल चीफ घोषित कर दिया, ना सिर्फ उनकी फैमिली का बल्कि पूरे WWE यूनिवर्स का। पर रोमन ने कहा कि वो नहीं चाहते कि पॉल हेमन उन्हें द ट्राइबल चीफ के नाम से बुलाए, क्योंकि उनके खुद के कजन जे उसो ने उन्हें ट्राइबल चीफ नहीं कहा था क्लैश ऑफ चैंपियंस पेपरव्यू में। दोस्तों, रोमन ने बताया कि भले ही जिमी उसो ने उन्हें ट्राइबल चीफ मान लिया था, लेकिन जे उसो ने उन्हें ट्राइबल चीफ नहीं माना है, इसलिए उन्होंने जे को रिंग में बुलाया और जे ने आकर कहा कि वो इस नए वाले रोमन को नहीं पहचानते और रोमन ने क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 में उनका असली रंग दिखा दिया है। दोस्तों, रोमन रेक्स ने इसका जवाब देते हुए कहा कि उनके लिए क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 उनके करियर का सबसे बुरा दिन था, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी, क्योंकि उन्हें उनके भाई को इतनी बुरी तरह मारना पड़ा था। और रोमन ने आगे कहा कि जे उसो ने उनको एम्बैरेस किया है द ट्राइबल चीफ नहीं मानकर, और जब रोमन बात कर रहे थे तब जे बार बार उनके यूनिवर्सल चैंपियनशिप को देखे जा रहे थे, इसलिए रोमन ने कहा कि अगर जे को यूनिवर्सल टाइटल शॉट चाहिए तो वो उन्हें एक बार फिर से चैंपियनशिप का मैच दे देंगे हेल इन अ सेल के अंदर। लेकिन रोमन ने कहा कि अगर इस बार जे नहीं जीतते हैं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और जे उसो ने कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि स्टिपुलेशन कुछ भी हो हेल इन अ सेल के अंदर, वो रोमन रेक्स से फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों, र्यूमर्स ये सुनने में आ रहे हैं कि रोमन रेक्स और जे उसो का मैच होगा करियर वर्सेस चैंपियनशिप का, तो अगर जे रोमन को हरा देते हैं तो वो नए यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे, पर अगर रोमन जे उसो को हरा देंगे तो जे उसो का WWE करियर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मैच में अगर ये स्टिपुलेशन ऐड होगी तो फिर क्या जे उसो रोमन रेक्स को हरा कर यूनिवर्सल चैंपियन बन पाएंगे, या एक बार फिर से रोमन रेक्स जे उसो को बहुत बुरी तरह मार कर उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, अगले हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में WWE का ड्राफ्ट शुरू होने वाला है और इसके साथ WWE ने कुछ मैचेस और सेगमेंट भी अनाउंस कर दिए हैं आने वाले स्मैकडाउन के लिए। दोस्तों, क्योंकि आज द KO शो में केविन ओवेंस पर द फिंड ब्रे वाइट ने आकर अटैक कर दिया था, इसलिए अब अगले हफ्ते के स्मैकडाउन में द फिंड फेस करेंगे केविन ओवेंस को सिंगल्स मैच में, और ये पहली बार होगा कि द फिंड फाइट करते हुए नजर आएंगे स्मैकडाउन में। इसके अलावा आज साशा बैंक्स ने बेली को चैलेंज कर दिया था स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, इसलिए इन दोनों का टाइटल मैच भी हमें देखने मिलेगा अगले हफ्ते के स्मैकडाउन में। और क्योंकि ओटिस ने उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट द मिस को देने से मना कर दिया था, इसलिए अगले हफ्ते के स्मैकडाउन में एक सेगमेंट अनाउंस कर दिया है WWE ने, जहां ओटिस कोर्ट में दिखाई देंगे और वो उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट बचाने की कोशिश करेंगे केस लड़कर द मिस के अगेंस्ट। और सैमी ज़ेन ने आज के स्मैकडाउन में जेफ हार्डी को हराकर उनका इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रिटेन कर लिया है, और द फिंड ब्रे वाइट और एलेक्सा ब्लिस एक साथ दिखाई दिए, यानी कि ये दोनों WWE के एक अजीब से कपल बन चुके हैं। और दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।